नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोषणा पत्र की। कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। दरअसल घोषणा पत्र जनता के बीच जाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के वादे होते हैं। आगे वो क्या करने वाले हैं, इसका विजन भी इस घोषणा पत्र में स्पष्ट होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र शुक्ला जी, आप संभागीय मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता ब्रिदेश पांडे जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर हम बात करें घोषणा पत्र की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे वचन पत्र का नाम दिया था। आखिर ये वचन पत्र क्यों? कारण सिर्फ ये है विजय जी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि घोषणा करने का काम तो मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, हम जो बातें करेंगे वो कमिटमेंट करेंगे जी। और इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका ग्रास रूट तक, मैदान जमीन के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसका तक बातें पहुंचेंगी और जितनी भी बातें हम वचन पत्र में लाएंगे उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस वचन पत्र की बात करें तो यहाँ पर इस वचन पत्र पे सिर्फ सोनिया जी, मनमोहन जी और राहुल जी दिख रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के किसी भी लीडर को यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। ऐसा क्या मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वचन पत्र के अंदर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी का, आदरणीय श्री सिंधिया जी का और आदरणीय राहुल भैया का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फोटो है और जिन्होंने इस वचन पत्र को तैयार करने में प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभाई, अपनी भूमिका निभाई डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनकी फोटो है उधर वचन पत्र में, सिग्नेचर है मीनाक्षी नटराजन जी का और नरेंद्र नाहटा जी का जो उसके माननीय सदस्य थे। तो ऐसा जरा सा भी नहीं है, इसे बिल्कुल इस रूप से न लें। तो क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो आता है तो उसमें अपने जो स्टारवर्ड नेता होते हैं पार्टी के, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, पार्टी यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए पार्टी ने उनका फोटो वचन पत्र में ऊपर रखा जी। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र नाम दिया है अपने घोषणा पत्र को, उन्होंने दृष्टि पत्र के रूप में जारी किया है और इस पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अटल जी को भी जगह दी है और साथ ही अपने चहेते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी यहां पर रखा है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी को भी यहां पर जगह दी है। क्या मानते हैं कि आपका ये दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी जनता से संवाद रखने वाली पार्टी है और सतत जन अपेक्षाओं में खरा उतरने का काम हमने किया है। विगत 15 वर्षों से प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, जो ऊंचाइयां मिली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जनविश्वास में खरी उतरी होने का प्रमाण देती है। केंद्र की सरकार हो, उसने भी जो वादे किए थे उस पर 100% खरी उतरी है। कांग्रेस पार्टी का जो वचन पत्र है उसके नाम से ही पता चलता है कि इसे पूरा नहीं करना है। मुंगेरी लाल के सपने दिखाना कांग्रेस की फितरत रही है। मैं एक बाकिया आपको सुनाता हूँ। मैं एक युवा था, 1993 में दिग्विजय सिंह की सरकार आई और उन्होंने घोषणा की थी कि हम युवाओं को रोजगार बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार आने के बाद ब्लॉकों में तीन चार दिन रात दिन लड़के युवा लाइन में खड़े होकर फार्म जमा किए, मैं भी जमा किया था और इसके बाद नतीजा क्या हुआ, टाटा फिस, किसी को पैसा नहीं मिला। इसलिए कांग्रेस जो वादे करती है वो कभी निभाती नहीं है, ये जनता भी जानती है। इसलिए इस कांग्रेस की राजनीतिक लुटिया डूब चुकी है और झूठे वादे करना और सरकार में आने के बाद व्यक्ति का और परिवार का हित करना, क्योंकि आपने एक बात बहुत अच्छी उठाई है कि वचन पत्र में सिर्फ 3 लोगों की 2 लोगों की फोटो लगी है, क्यों न लगेगी? जब परिवार की पार्टी है तो परिवार के ही लोग रहेंगे। हम तो कैडर आधारित दल हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है,
एक गरीब किसान का पुत्र मुख्यमंत्री बनता है और किसानों की विकास दर 20% से ऊपर ले जाके करता है। 18% ब्याज में ऋण लेने वाले लोग किसान का दर्द थोड़ी जानेंगे। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो ऐसे ही वादे करेगा। जनता को चूसने का काम करने वाले लोग, जो खानदानी लोग हैं, सिर्फ जनता को अपना नौकर समझते हैं। हम तो जनता को भगवान समझते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, आप जैसा कि अभी यहाँ पर सुन रहे हैं कि जनता को भगवान समझते हैं, और ये कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ दो लोगों की ही पार्टी है, क्या कहेंगे आप? दरअसल हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी को कांग्रेस पार्टी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, उनका अध्ययन अधूरा है। कारण सिर्फ इसका ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से बचत पत्र के सामने अपना दृष्ट पत्र जारी किया और इसके साथ एक नारी संकल्प पत्र भी जारी किया, जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तो इस दोनों पत्र के में केवल एक चीज आप देखेंगे, जनता के साथ धोखा, जनता के साथ छलावा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुरानी घोषणाओं को इन्होंने दोबारा उसे शामिल किया है और जो पुरानी घोषणाएं आज तक अधूरी हैं, मुझे बहुत, मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि शिवराज सिंह को पहले जो पुरानी घोषणाएं हैं उनको कब पूरा करेंगे, उनको अपने इस मैनिफेस्टो में ये बातें भी लानी चाहिए थी, तब वो कुछ नई घोषणाएं करते। जो 2003 का इनका घोषणा पत्र था, जो 2008 का इनका घोषणा पत्र था, जो 2013 का इनका घोषणा पत्र था, उस पर आप एक लिस्ट डालें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसकी सारी, बहुत सारी घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई हैं, आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इस दृष्ट पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी अधूरी योजनाएँ थी उनकी बात नहीं किया कि इसे हम कब पूरा करेंगे। उसके साथ ही भाजपा ने वर्ष 2003 में, वर्ष 2008-13 में जो भी कार्य किया है ना, वो सारी की सारी बातें आज तक अधूरी तरह से लटका हुआ आधार में। क्या सबसे, सबसे, सबसे अधूरी रह गई भारतीय जनता पार्टी के काम में, क्या लगता है वो? कोई एग्जांपल पर आप दर्शकों को भी बताएं तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको 3-4 बिंदुओं पे अपनी बातें पूरी कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं किया था उन घोषणाओं से हट करके शिवराज सिंह ने अपनी व्यक्तिगत घोषणाओं की संपूर्ति जरूर की। अब यहीं पर आप देखिए, भावांतर योजना किसान विरोधी हुई, इसलिए उन्होंने इस बार उसको नहीं टच किया। खुद इस योजना पर हमारे मुख्य भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, इसलिए किसानों के नाम पर कोई घोषणाएं नहीं की गई, उनको गुमराह किया गया। ब्रिजेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम दृष्टि पत्र को देखें तो पहले बिंदु से लेकर पांचवें बिंदु तक सिर्फ किसानों की बात की गई है। योगेंद्र जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो बिंदु है टोटल किसानों पर फोकस है और कृषि आधारित यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सब किसानों के हितों की बातें हैं। देखिए विजय जी, हमारे मित्र विजय जी लाली पॉप दिखाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता को सिर्फ वोट बैंक समझकर और चुनाव के समय उपयोग करके और भूल जाती थी, पर अब हम ऐसा नहीं करते हैं। हमने 15 वर्षों में कृषि विकास दर को 20% पूरे देश में, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी कृषि विकास दर दोहाई अंकों में है, इतना किसी ने नहीं किया। ये हमारे कृषि हितैषी सरकार होने का प्रमाण है। लगातार 5 कृषि कर्मण पुरस्कार हमें मिल रहे हैं। हम 0% ब्याज में कर्ज दे रहे हैं। 18% लेते थे, किसानों के घर चूल्हे और बर्तन खाने के नीलाम कराया था कांग्रेस पार्टी ने 18% ब्याज लेकर। हम 1,00,000 रुपए में 10% अलग से बोनस दे रहे हैं। 1,00,000 ले जाओ, 90,000 लौटाओ। किसानों को 100 रुपया प्रति HP पंप, 24 घंटे बिजली, 6 महीने में भुगतान, ऐसी सुविधाएं देकर शिवराज जी ने किसानों को उन्नति और प्रशस्ति के राह पर आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम आपके सामने है और परिणाम दिख रहा, बोल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ छल प्रपंच की राजनीति करके और 55 सालों तक इस प्रदेश में राज्य किया, और राज्य कैसा किया, राजा महाराजाओं की तरह राज्य किया, और अभी भी उनके वही राजा महाराजा कांग्रेस को चला रहे हैं। एक परिवार पर सीमित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। अच्छे नेता कांग्रेस में है तो उनको दरकिनार करके राजा महाराजाओं को पुनः जनता के ऊपर, जो राजसी व्यवस्था से जनता मुक्त हुई थी उसे पुनः
लादने का काम कांग्रेस कर रही है। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा है वो गरीब का दर्द नहीं जान सकता। जिसके पांव न फटी बीमारी वो किया जाने पीर पर आई, हम लोग अच्छी तरह से महसूस करते हैं जो गरीबी ही नहीं जानता है। आपके क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी गरीबी नहीं जानती? आप एक बात, बड़े विद्वान पत्रकार हैं विजय जी, आप इस बात को गंभीरता से समझिए। हमारे अभी भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने कृषि कर्मण पुरस्कार अर्जित किए, आपने भी कहा कि एक से लेकर 5 योजनाएं किसानों के नाम पर अब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लाया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने इतने बड़े किसान हितैषी शिवराज सिंह जी हैं तो इन्हीं के राज्य में सबसे अधिक किसानों की हत्या, पूरे देश का रिकॉर्ड कहता है 100 से अधिक किसानों की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, किसानों की हत्या हुई, महिला उत्पीड़न के मामले मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ का बेरोजगार युवा जो नौकरी के लिए उत्तर पोषण के लिए गुहार मार रहा, उसके लिए कोई नए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाजपा के इस घोषणा पत्र को एक बार आप पढ़िए और अपने मित्र से शुक्ला जी से आग्रह करूंगा इसको एक बार आप कृपापूर्वक पढ़िए, आप खुद देखेंगे इसमें महिला सुरक्षा, किसानों की आत्महत्या रोकने, कर्ज माफी, युवाओं द्वारा बढ़ती बेरोजगारी, शरीर के बहुत सारी आत्महत्या रोकने, कुपोषण, अवैध उत्खनन, मां नर्मदा के संरक्षण, कुपोषण के लेकर नया कुछ भी नहीं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से अपने मैनिफेस्टो को दोहरा रही है, जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी के सामने शिवराज सिंह ने इस बात को कहा, जिसे मैं कोट करना चाहता हूं अपने मित्र योगेंद्र शुक्ला जी के सामने, उन्होंने कहा कि इसके लिए शिवराज सिंह ने कहा बजट की कमी नहीं होगी। अरे भाई, बजट की कमी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी योजनाएं ऐसी हैं कि व्यापम आपने लाया मध्य प्रदेश के अंदर, व्यापम में सर से पांव तक भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकड़े में डूबे हुए थे। ये टेंडरिंग घोटाला आपके टाइम में हुआ, नर्मदा को लेकर के जो आपने प्लांट लगाया, ये सारे के सारे प्लांट भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार, सर से पांव तक भ्रष्टाचार है। ब्रिजेश, दृष्टि पत्र में कहा गया है कि किसान समृद्ध कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जी। यहाँ किसान कॉरिडोर बनने से जहाँ रोजगार भी मिलेंगे वहाँ उन्नतशील किसान भी होंगे। योगेंद्र जी, ये क्या है आखिर, इस पे क्या विजन लेकर आ रहे हैं? देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी की न तो सोच है और न नियत है और न नेता है। माननीय ब्रिजेश जी ने भी व्यापम की बात की। कांग्रेस पार्टी स्थानीय न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक व्यापम के खिलाफ गई। CBI जो भी जांच करा सकती थी सब कराया उसने, सब ने उसको झूठा पाया। यहां तक हुआ कि दिग्विजय सिंह और इनके नेताओं के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी, फिर भी व्यापम व्यापम। अरे आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, मैं जानता हूं, पूरा देश जानता है, परंतु दूसरे के ऊपर आप प्रमाणित तो करो कोई चीज। सुप्रीम कोर्ट तक गए आप, आपके ऊपर FIR हुई, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि आपने एक्सल सीट में छेड़छाड़ की है, और उस जो एक्सल सीट को जिसको भ्रमित करके ले गए थे टिकट देने का वादा, वही चिल्ला रहा था कि व्यापम को मुद्दा हमने उठाया, हमसे उठवाया गया और हमको टिकट नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह उसके घर गए मनाए, अरे भाई चुप रहना, तुमको कुछ और देंगे, पोल मत खोल देना। इस तरह कांग्रेस पार्टी छल प्रपंच की राजनीति करके सत्ता लुप्तता इतनी बढ़ चुकी है कि कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। यह जनता भी जानती है, जब जनता के सुख दुख में आप खड़े नहीं होंगे, सतत जनता से कोई संवाद नहीं होगा, राजा महाराजाओं को आप उनके ऊपर थोपेंगे तो जनता स्वीकार करेगी क्या? ये कांग्रेस को सोचना चाहिए जी। मैं योगेंद्र जी को इतना ही कहूंगा कि संयम है कुतवाल तो अब डर काहे का। केंद्र में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, प्रदेश में शिवराज सिंह भाजपा की सरकार, जो भी करेंगे कोठरी को काला करेंगे, तो उनको बचाने वाले उनके आका। अरे व्यापम की जान तो साहब आपके सामने में हुई है, आपने CBI से जांच कराई, सुप्रीम कोर्ट है, अभी हमारे तर्क को पूरा होने दीजिए। अभी हम जो चीज बीच में फंस रही है, देखिए पांडे जी, बीच में आपने सब जांच कराई पर कुछ जब नहीं, झूठी चीज केंद्र में आपकी सरकार, झूठ को आपकी इतना भी बार बार दोहराए वो जमाना नहीं है, लोग झूठ को सही मान लेंगे। उसके बाद विजय जी मुझे एक बात बताइए, एक मूवी आई थी, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मूवी को देखते कहते थे कि महंगाई टाइम खाई जा रही जब हमारी सरकार थी। अरे भैया, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब महंगाई टाइम खाई, तो बताइए, 160 रुपए किलो, 160 रुपए किलो
किलो दाल थी, जब आज की सरकार, जब इनकी सरकार आज कितनी थी, 100 रुपए प्याज थी, आज कितनी है, खाने पीने की चीजें जो है, जब हमारी जब इनकी भारतीय जनता पार्टी का सरकार होता है, शुक्ला जी, भाई आप बताइए, शुक्ला जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वही महंगाई जो आप जाहिर करना चाहते थे, वही महंगाई आपकी मौसी बन गई, कर रखे हैं आपको, वही महंगाई गाय की जगह आपकी मौसी बन गई, आप किससे तुलना करेंगे साहब, वही महंगाई 60 रुपए किलो दाल मिल रही है, 20 रुपए 15 किलो आलू मिल रहा है, खाने पीने की चीजें सब ज्यादा सस्ती है, हर समय बार अपनी बातें रखें ताकि दर्शक जो देख रहे हैं, शक्कर जो आपके समय 40 रुपए में था, 30 रुपए मिल रहा है, जब बोल रहा था यू बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल, ये बात नहीं है, जहाँ झूठ है सच्ची बातें करिए, तथ्य रखेंगे पांडे जी, आप सच्ची बातें करिए, महंगाई कहाँ है आज, तथ्यहीन बातें मत, महंगाई कहाँ पर है, दाल कितने रुपए है, आज के समय में 160 रुपए, 200 रुपए दाल बिक रही थी, ये समय बोलने का मुझे, आज दाल 30 रुपए में है, वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम सस्ती है, पहले सस्ती बात हो रही है, ये समय मेरा है, दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे इलेक्शन बुलेटिन में आज के घोषणा पत्र की, कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। हमारे साथ दो वक्ता थे जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी। क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है ये देश और रीवा के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के हित के लिए है? अब की बार 200 पार समृद्ध मध्य प्रदेश, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हमारा वचन पत्र, वचन दृष्टि जो है, दृष्टि पत्र जो है वो पूरा करेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इस प्रदेश में सरकार बनाएगी और जन जन की आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। ब्रिजेश जी, वक्त थोड़ा सा है, थोड़े से शब्दों में आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दो लाइन में अपनी बात पूर्ण कर दूंगा। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर सरकार जब अगर हमारी मध्य प्रदेश में बन जाएगी तो आप किन करके 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम पंजाब करने के लिए है, इस दृष्टि पर किसी होने वाला है, पूरे देखते रहिए, रीवा जिले के 800 क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं जरूर आपको आश्वस्त करूंगा। पांडे जी,